जिले के उच्च अधिकारी है, कहीं ना कहीं उन्हीं की भी मिली भगत इसके अंदर है। मिली तो इस क्षेत्र में ढाबा जो बॉर्डर के, जो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के जो गांव है उसके अंदर प्रत्येक युवा, प्रत्येक दूसरा और तीसरा युवा चिट्टे से ग्रस्त है। प्रशासन भी उसमें जरूर सहयोग कर रहा होगा, लेकिन एक जागृति अभियान से इस पे किसी भी तरीके से आप, चाहे पुलिस के द्वारा, कहीं ना कहीं पुलिस के उच्च अधिकारी इसको रोकने में लगते हैं, लेकिन जो पुलिस के निम्न के जो अधिकारी हैं, जो कॉन्स्टेबल हैं, SI, ASI के, कहीं ना कहीं वो भी इनमें मिलीभगत के तौर पर उनको पना देते हैं। किसी के पास चिट्टा पकड़ा जाता है तो चिट्टे में उसको दिखाते नहीं है, लेकिन मुकदमा नहीं बनाते हैं, NDPS का नहीं बनाते, कहीं ना कहीं उनको पना अधिकारियों के द्वारा भी दी जाती है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी दी जाती है। तो आपसे कोशिश है कि इस पर किसी तरह के अच्छा साहब, दो बार तो मेरे गांव के लोगों को बाकायदा किशन पर आशीष समेत पकड़ लिया, समझे, अच्छा माल पकड़ लिया, लाके उनको दो बार छोड़ दिया, तीसरे थोड़ा माल मिला उसको कहा बड़ा माल पकड़ा। तो पास में गांव पड़ता है दिनदाणिया, वहां से फोन करके उसे फुल माल सीमेंट पर मंगवा लिया, उसको पकड़वा दिया उसने, ऐसा उसको भी रात को लाखों रुपए लेके छोड़ दिया। कहीं ना